राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंद शर्मा, राजस्थानी ब्लॉगर, आपको आज सिखाएंगे शाही पनीर बनाना। बहुत शानदार बनेगी, बहुत शानदार कुक है हमारे पास। देखिए, अब हम आपको पूरा दिखाएंगे, देखते रहिए। ये दोस्तों, हमने प्याज कटिंग स्टार्ट कर दी है। करीब हमारा 8 लोगों का खाना है, जिसमें हमने 400 ग्राम के आसपास प्याज लिया है, 250 ग्राम टमाटर है, 2 लहसुन की पोती ली है, कुछ ये थोड़ी सी मिर्ची है, धनिया है। प्याज को छील के अच्छे से धुल लिया है, टमाटर भी धुल लिया है। उसके बाद ये कटिंग चालू है। ये हमने प्याज और टमाटर को काट लिया है। अब इसको मिक्सी में घुमाएंगे, दिखाएंगे आपको। ये कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम तेल डाल रहे हैं। ये टमाटर को मिक्स करते हुए ये जीरा डाला है, तेज पत्ता डाला है, ये हमने प्याज डाला है। अब इसको हम चला रहे हैं, इसको भूनते रहेंगे जब तक हल्का ये रेड ना हो जाए। ये हम थोड़ा सा मूंगफली मिक्सी करेंगे अभी, पीनट्स। ये दोस्तों देखिए, ब्राउन हो रहा है। ये हमने टमाटर को पीस लिया है। ये लहसुन है, जिसमें कुछ पीनट्स भी डले हुए हैं। ये हरी मिर्च, अदरक, इन तीनों को बारी बारी से इसमें डालेंगे, आपको दिखाएंगे डालते हुए। लहसुन का पेस्ट डाला, इसको प्याज में मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने ये हरी मिर्च और अदरक मिली हुई है इसमें मिला के पीसा था। इसको थोड़ी देर के लिए गरम किया है, सेकेंगे। उसके बाद फिर टमाटर डालते हुए दिखाएंगे आपको। ये स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कम मात्रा में डाले जाएंगे। रेड चिली, बहुत हल्का खाते हैं हम लोग, रेड चिली डालते ही नहीं है। ग्रीन, ये हल्दी पाउडर, ये हल्दी बस। और हिला लेंगे। ये चला लिया, इसको हमने चला लिया है। ये इसमें हम बटर डाल रहे हैं, हमने इतना अमूल बटर डाल दिया स्वाद अनुसार, जो कि थोड़ा सा टेस्ट बनाता है, अच्छा लगता है। थोड़ी सी हमने इसके अंदर चीनी डाली, थोड़ी सी हमने शक्कर डाली है, ठीक है। डाल दिया है टमाटर, ये टमाटर को हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैश करेंगे। देखिए पूरी तरह 10 मिनट में, 10 मिनट में ये मसाला पक जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर पनीर डाल देंगे। अब लगभग 10 मिनट हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे पनीर कैसे डालते हैं। ये हमने पनीर को काट लिया है। ये दोस्तों दूध डालते हुए, दूध है, आप सही सुन रहे हो, मिल्क, शाही पनीर के अंदर मिल्क।
हम इसको पकाएंगे 5-10 मिनट, लगभग 10 मिनट दूध डालने के बाद उसको चलाते रहना है। चलाने से बंद कर देंगे तो दूध फट जाएगा, सब्जी खराब हो जाएगी, इसलिए इसको चलाते रहना है। देखिए दोस्तों ये खदकने लग गया है, अब इसमें हम पनीर डालेंगे। अब इसको फिर से लगभग 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये थोड़ा सा धनिया डाला है,